फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैंड्स एंड फीट फाइटनिंग की। जैसा कि टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठंड से बचने के लिए हम धूप में बैठते हैं और धूप से हमें टैनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम हैंड्स एंड फीट में हो जाती है, तो यहाँ पे मैं हैंड्स एंड फीट की रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी सन टैन रिमूव की रेमेडीज शेयर की हुई है, यहाँ पे मैं DIY शेयर करूँगी, आपको इसका प्रोसेस दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से इसको लगाना है और किस तरह से और इसका रिजल्ट क्या है। जितनी केयर हम अपनी फेस की करते हैं सर्दियों में, उतनी केयर हम अपनी पैरों और हाथों की नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, आपको यूज करने से आपके हाथ पैर कंटिन्यूस सॉफ्ट बने रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इंटरनली बहुत अच्छा मॉइस्चर मिल जाएगा इस रेमेडी को यूज करने से। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज को आप मिस ना कर पाए। जैसे तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मसूर दाल का आटा। मीन्स मसूर दाल को हमने पीस लिया है और इसका हम आटा लेंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक। वाइल्ड टर्मरिक हम लेंगे यहाँ पे आधे से थोड़ा सा कम चम्मच। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमने आधे चम्मच के जितना ही डालना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। यहाँ पे 2 चम्मच मैं दही डालूंगी। और मैं यूज करूंगी यहाँ पे थोड़ा सा हनी, 1 चम्मच हनी यूज करेंगे हम। और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 विटामिन E का कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा हैंड फीट लेग्स का स्क्रब तैयार हो गया है। इसे हम फुल बॉडी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल में स्किन लाइटनिंग इफेक्ट होता है, सन टैन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है हल्दी। हल्दी भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है आपके सन टैन को रिमूव करने के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए। एंड देन आई हैव यूज ग्लिसरीन, विटामिन ई ऑयल और हनी। ये सब मैंने मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए रखा है, क्योंकि ठंड में हमारे जो हाथ सिकुड़ से जाते हैं, हमारे हाथों में मॉइस्चर नहीं रहता है और बार बार हाथ धोने से भी हमारे हाथों में मॉइस्चर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी से आपके हाथ सॉफ्ट एंड सिल्की भी होंगे, स्मूथ होंगे। तो इस रेमेडी में आपने इस रेमेडी को वीकली ट्वाइस या थ्राइस आप कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके हैंड्स फीट के लिए और पूरी बॉडी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सॉफ्ट सिल्की स्मूथ अपने हैंड्स एंड फीट मिलेंगे इसको यूज करने से। जैसा कि मैंने बताया, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो सारे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए हैं। और मैंने यहाँ पे डाला है कर्ड। अगर आपके पास कर्ड नहीं हो तो आप रोज वाटर डाल सकते हैं, रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। इसका पेस्ट बना के हमने इसको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पहले हैंड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आपने जेनरस अमाउंट लेना है, अच्छा अमाउंट लेना है, अपने हाथों पे, बाजू पे अच्छे से लगाना है इसको और रब करना है, जैसे हम स्क्रब करते हैं। रब करेंगे हम इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए सूखने के लिए, एज अ पैक आप कह सकते हो। तो उसके बाद छोड़ने के बाद आप उसको ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर देंगे। सेम हमने पैरों पर करना है और अपनी टांगों पर करना है। पैरों पे आप करेंगे पैरों की उंगलियां, या फिर आप पैर बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर टैनिंग हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं रूखे सूखे से रहते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में हम इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं अपने हाथों की, पैरों की। इसी तरह से अप्लाई करना है, अच्छे से स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और 5 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसको ल्यूकवॉर्म पानी से धो देना है।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेमेडी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फर्स्ट यूज़ में ही आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे आपके हैंड्स एंड फेट, और आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे मिले हैं। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। नाउ ये बहुत ईजी एंड इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। फर्स्ट यूज से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।